नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो 4 मई 2020 को है। हालांकि इसकी जो जजमेंट का जो डिस्कशन है, जो आर्गुमेंट्स थे, वो 13 दिसंबर 2019 को थे। उसके बाद वो जजमेंट आ नहीं पाया, लॉकडाउन हो गया। 4 मई 2020 को कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ये जजमेंट है। अनिल कुमार अग्रवाल इसके एप्लीकेंट थे, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पे जाकर पूछ सकता है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो उन्होंने भी यही पूछा कि उन्होंने 21 इनकम्स के बारे में जिक्र किया और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से AAR से पूछा कि मुझे बताइए कि ये क्या इनकम्स मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वो 21 इनकम हम फटाफट आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो जजमेंट बताएंगे जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बताया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि पार्टनर सैलरी जो मुझे पार्टनरशिप फर्म से मिलती है, क्या वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगी। तो AAR ने कहा कि क्योंकि ये एंट्री नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 3 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सैलरी है, तो ये पार्ट ना जीएसटी का गुड्स है ना ही सर्विसेज है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा एटी का हिस्सा नहीं बनेगी। अगली बात उन्होंने पूछी कि जो मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सैलरी आती है, हालांकि अनिल कुमार अग्रवाल जी बताना भूल गए कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे या नॉन एग्जीक्यूटिव, तो AAR ने खुद से अज्यूम करके दोनों प्रपोजिशंस को बताया और उन्होंने कहा कि अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, TDS कटता है, ESIPF का कंप्लायंस है, बाकी सारे कंप्लायंस हैं और फुल टाइम वहां पर अफेयर्स को देखते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं कंपनी की, तो ये सैलरी है वही एंट्री नंबर 1 शेड्यूल 3 में, तो इसको हम ना जीएसटी में गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज, तो ये आउटसाइड दी प्रीव्यू है और इसलिए एटी में जुड़ेगा नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उस केस में इनको सिटिंग फीस या पार्टिसिपेशन फी या मीटिंग फी या कमीशन जो भी मिलता है और ये रेगुलर डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एजम्पशन दिया उन्होंने खुद से अपने आप AAR ने, तो उस केस में कंपनी को रिवर्स चार्ज में इसको टैक्स पे करना है। लेकिन इनकी एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते हुए फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आउटवर्ड सप्लाई विच इज टैक्सेबल सप्लाई बट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज जुड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो मेरी कैपिटल अकाउंट है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक वेरिएबल कैपिटल है, उस पर ब्याज मिलता, तो उसको भी उन्होंने कहा कि ये आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है, फ्लो ऑफ कैपिटल है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इसके ऊपर ये एटी में एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद उन्होंने 12 इंटरेस्ट इनकम्स के बारे में सवाल पूछा। इंटरेस्ट इनकम्स फटाफट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, लेकिन जवाब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का एक ही था कि अगर कोई कंसिडरेशन आपको मिलता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। हालांकि वो सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन वो 80 का हिस्सा, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगी। वो कौन कौन सी 12 इंटरेस्ट इनकम इन्होंने पूछी एप्लीकेंट ने, अनिल कुमार अग्रवाल ने, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इन्होंने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस गिवन, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अलॉन्ग विद डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन एनएससी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड टू पीएफ, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन क्लोजर ऑफ पीएफ अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन पीपीएफ, इंटरेस्ट इनकम ऑन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये सारे 12 तरह के ब्याज के बारे में उन्होंने कहा और AAR ने कहा कि ये सारे ब्याज एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन 80 का हिस्सा, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन बनेंगे। उसके बाद उन्होंने मैच्योरिटी प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि ये ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो आउटसाइड द प्रीव्यू है और 80 का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स, कैपिटल गेन लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, इसके बारे में AAR ने कहा क्योंकि सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है, उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है, तो ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ फंड है, कैपिटल है और इसके ऊपर कोई भी जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है और ये आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है, इसलिए एटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, क्या वो 80 का हिस्सा बनेगी, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगी, तो डिपार्टमेंट ने, AAR ने इनफैक्ट ये कहा कि हाँ, रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेबल सप्लाई है और वो 80 का हिस्सा बनेगी। फिर उन्होंने पूछा रेजिडेंशियल रेंट जो है, तो AAR ने कहा, अथॉरिटी ने कहा कि क्योंकि हालांकि ये सप्लाई है रेजिडेंशियल रेंट, लेकिन क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई है अंडर नोटिफिकेशन 12/17 तो इस पर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 80 का हिस्सा बनेगी। तो ये 21 तरह की इनकम्स के बारे में अनिल कुमार अग्रवाल ने कर्नाटका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए और मुझे, मैं एक और बड़ी डिफरेंट यहाँ पर मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि एक इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को जजमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा था कि डायरेक्टर रेमुनरेशन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी,
लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो जीएसटी नहीं लगेगा और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो जीएसटी लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका एग्रीमेंट है, टीडीएस आपका कटता है अंडर सेक्शन 192 एज सैलरी, आपका ईएसआई पीएफ कंप्लायंस है, आपको एज एम्प्लॉय डिक्लेयर किया गया है, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आप फुल टाइम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप यही सब बातें सी स्टैट के अलाइड ब्लेंडर्स के जजमेंट ने भी, सी स्टैट ने यही सब बातें कही थी, जो कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी कहा कि अगर ये सब बातें पूरी होती हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी का कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि एक बड़ी अच्छी एडवांस रूलिंग सामने आई है, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।